ना व मौलाना महम्मद वाली वसहाबारक वसलम वसल दुनिया के तमाम देखने वालों को तमाम चाहने वालों को तमाम प्यार करने वालों को और जहाँ जहाँ तक इस वक्त मेरी आवाज़ को सुना और मुझे देखा जा रहा है इकबाल की जानब से इंतहाई मोहब्बत के साथ असल एक बार फिर नाजरीन आपको नूर, सुब, सुब नूर के साथ मैं दिल की अता गहराइयों से खुश आमदेद कहता हूँ और आइए बिला तो चलें हजरत अबोनीस मोहम्मद बरकत रमा की तालीफ अस्मान नबील करीम सलील वसलम वसलम से रसूल सल्हली वसलम का किस्म बार पढ़ने और सुनने की शादत हासिल करते हैं सैदुना शाकिरू सल्ला वसलम हमारे सरदार शुक्र अदा फरमाने वाले दुरुदो सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि व वसल्लम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि व वसल्लम के आले पाक पर और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन पर इरशाद बारी ताला है कि अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा अता करूंगा अक्सर ये दुआ फरमाया करते थे कि या मुझे अपना बहुत ज्यादा शुक्र गुजार और जिक्र करने वाला बना तुझसे बहुत ज्यादा डरने वाला और तेरी अतात करने वाला बना जनाब आज आप हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहें क्योंकि आज हम बहुत ही अहम तरीन मौजू पर बात करेंगे यानी डिप्रेशन और ख़ुदकुशी का जो बढ़ता हुआ रुझान है उस हवाले से गुफ्तु होगी नाजरन कराम यानी आज अगर आप अपने माशरे पर एक तायराना निगाह डालें तो और एक रैंडम एक रैंडम सर्वे करवाएं तो आपको अंदाज़ा होगा नाजरीन के हर दूसरा शख्स कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से आपको डिप्रेशन का शिकार नज़र आता है यानी इंसान की ज़िंदगी में कभी कभार ऐसे भी हालात बन जाया करते हैं कि इंसान न चाहते हुए भी जीने के बरक्स मौत की तमन्ना करने लगता है यानी जिंदगी रेत की तरह उसकी मुट्ठी से सिरकने लगती है या ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगती है उम्मीद के सारे चिराग नाजरीन मध्यम हो जाया करते हैं और नाउमीदी की तारीख रात जो है वो मजीद गहरी हो जाया करती है डिप्रेशन और एन्जाइटी अपने नेक्स्ट लेवल पर चली जाया करती है और ऐसे में नाजरीन एक बुजल इंसान या तो जाहिर वो नशे का सहारा लिया करता है या फिर यह कि अपने तमाम आम डिप्रेशन से निजात पाने के लिए खुदकुशी को तरजीह दिया करता है डिप्रेशन नाजरीन एक ऐसा नफसियाती और तिब्बी मरज है जिसे खुदकुशी की बड़ी वजूहत में शुमार किया जाता है आलमी सतह पर पाँच अफराद में से हर तीसरा शख्स इस बीमारी के लिए डॉक्टर से रुजू करता है डब्ल्यू एच ओ ने डिप्रेशन को इक्कीसवीं सदी के अमराज की फहरिस्त में पहले नंबर पर रखा है नाजरीन यही वजह है कि इस वक्त पूरी दुनिया के महरूम लोगों में अपनी जिम्मेदारियों से बेतनाई ईमान से महरूमी और कमजोरी के बायस खुदकुशी का रुझान बढ़ता चला जा रहा है बदकिस्मती से नाजरीन पाकिस्तान में भी खुदकुशी के वाकत में खौफनाक हद तक इजाफा हो रहा है बल्कि मैं सर्वे पढ़ रहा था जिस पर मुझे यकीन नहीं आता लेकिन ऐसा है कि रोज जो है तकरीबन पैंतीस के करीब अफराद जो है वह खुदकुशी कर लिया करते हैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं नाजीन कर दुख परेशानी और मसाइल और आजमाइें जिंदगी का हिस्सा हैं इनमें से बेषतर तो इंसान के अपने अकवाल की वजह से पेश आते हैं जहन में रखिए जबकि चंद एक खाले के काय की तरफ से आजमा हुआ करती हैं अल्लाह तबारक अपने बंदों को में उनके गुनाहों को, को बल्द किया तबारक तक अपनी के साये में ले लिया करता है। और जो नाकाम हो जाते हैं या तो वह गलत रास्तों पर चले जाते हैं या उनमें से चंद एक जो वो खुदकुशी को राह निजात समझते हुए अपना खात्मा कर लिया करते हैं और वह ना सिर्फ अपना और अपने अहलोल और खानदान का दुनियावी नुकसान किया करते हैं बल्कि अपनी आखिरत को भी तबा बर्बाद कर दिया करते हैं लिहाजा नाजरीन पहले तो यह जिए नजदीक खुदकुशी करना फेल हराम, और उसका करने वाला, अल्लाह ताला के नाफरमान भी कहलाता है और वह जहनमी भी बन जाया करता है बेहतरीन इंसान वह है जो मुश्किल हालात का जायजा लेबाब रिसोर्स तलाश करे उनका मदावा करे परेशानियों से बाकायदा डटकर लड़े मसाह टकराने की कोशिश करे और टकराए मुश्किल को आसानियों में बदले और अल्लाह तबारक पर कामिल तवक्ल और भरोसा करते हुए मायूसी की बजाय सबर और को थाम कर, कर खड़ा हो जाए और यह सोचे कि यह जो परेशानी है, यह परेशानी है. मेरा रब इससे बहुत ज्यादा बड़ा है जो मुझे इनशाला परेशानी से निकालेगा हम वो खुशनसीब नाजरीन जो अलहदुल्ला मुसलमान पैदा हुए मुसलमान घरानी में पैदा हुए हमें वो दीन मिला जो मुकम्मल एक जबता हयात है मगर अलमिया ये नाजरीन की हमारे यहाँ अभी अब खुद के वाकयात में इजाफा होता चला जा रहा है एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन पच्चीस से पच्चीस फीसद से लेकर साठ फीसद तक अफराद जो है डिप्रेशन जहनी दबाव और दिमागी बीमारियों में मुबतला होते हैं जिनमें ज्यादा तादाद नौजवानों की और इस डिप्रेशन की बुनियादी वजूहत में तबी मसाइल हैं माशरे में अदम बर्दाश्त है खानगी तनाज़ात हैं गुरबत है महंगाई है बेरोजगारी है इम्तहानत है, हैं अच्छे ग्रेड्स का ना होना है यानी शहरत है पैसा कमाने की दौड़ है एक इंफीरियर कॉम्प्लेक्स है कि मैं पीछे रह गया हूँ नाकामी का तस्वूर है आइसोलेशन में रहना है घरेलू जगड़े हैं

माल उस माल या किबारक आसानी पैदा कर देता है यह इस्लाम आपको तस्वुर देता है कि दुशारी आएगी लेकिन डटके खड़े रहना है सरेंडर नहीं करना है आज बुनियादी तौर पर नाजरीन इसी मौजू पर बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि अगर आप खुदा ना खासकर डिप्रेशन में मुबतलाएँटी में मुबतला है तो आपको उस डिप्रेशन से और एंगजाइटी से हम बाहर निकाल सकें हमारे साथ मौजूद हैं यकीन किसी तारुफ के पहली शख्सित प्रोफेसर मोहम्मद सईद अहमद खान साहब हमारे बुजुर्ग हैं तशरीफ तो फरमा दूसरी शख्सियत मुमताज़ डॉक्टर हैं मुमताज समाजी रहनुमुआ है जनाब डॉक्टर सैयद इमरान मुर्तज़ा साहब तशीफ तो फर्मा और तीसरी शख्सियत नौजवान मारूफ माहिर नफसियात जनाब डॉक्टर वकास हसन साहब आप तीनों अहब आप आपको असलम खुश आहदेद और डॉक्टर साहब खासतौर पर आपको पहली मरतबा आप तशीफ लाएँ बहुत शुक्रिया अच्छा जी आगाज़ करते हैं प्रोफेसर साहब सबसे पहले इस्लाम डिप्रेशन और जहा एंजाइटी के हवाले से तो आ, इतना कुछ हमें बतला देता है कि मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि मुसलमान है और मुसलमान हो के फिर ख़ुदकुशी करे ये तो पॉसिबल ही नहीं possible, मतलब समझ ही नहीं आती बात आगे जाके इस पे बात करते हैं लेकिन इस्लाम किस तरह से डील करता है डिप्रेशन को एंजाइटी को इन परेशानियों को आगाज़ फरमाइए बिस्मिल्लर मसलआलाबारक वसलम बहुत शुक्रिया महतरम बाल साहब आज का मौजू इत अहमियत का हामिल है वो लोग जो अपने आप को ज़िंदगी से मायूस समझ सक चुके हैं इस्लाम उनको जीने का इतना ख़ूबसूरत हौसला अदा करता है कि वो इन तलीमत को अगर समझने की कोशिश करें तो वो उम्र नूह मांगें वाह वो वा, कहें वा, कि हमें ज्यादा से ज़्यादा मौका मिले ताकि हम इस दुनिया में अल्लाह ने हमारे लिए जो नहमतें रखी हैं उनसे मुस्तफ़ीद हो सकें जब हम ये कहते हैं कि इस्लाम मुकम्मल जबत हयात है तो उस वक्त इंसान के जहन में ये बात होनी चाहिए कि ये निज़ाम हयात उसने दिया है जो दाना लोगों का खालिक है वाह इसकी दानाई के चश्मे कायनात के जर्रे जर्रे से फूट रहे हैं मैं उसको छोड़कर कहीं और से पनाह क्यों मांगूं कहीं और किसी के दामन में क्यों जाऊं इस्लाम इंसान को जो जीने का हौसला देता है उसमें जो बात सर फहरस्त हमारे सामने आती है वो ये है कि इंसान ना उम्मीदी के बुत को हमेशा के लिए पाश पाश करते वाह 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 इस दुनिया में आकर इंसान नाउमीदी से अपने आप को बचाए वो कितने ही बुरे हालात का शिकार है हालात एक जैसे नहीं रहते तिलकल कल अमुदा वे लोहा बे ये दिन हैं जिन्हें हम लोगों के दरमियान अदल बदल करते रहते हैं ये ज़रूरी नहीं कि एक आदमी जो आज नारने जमी को तरस रहा है उसकी सारी जिंदगी इस तरह रहेगी क्या वो कदर मुतलक उसके लिए ऐसे हालात पैदा कर सकता है और तारीख़ में इसकी बेशुमार मिसाल मौजूद हैं भी कि आज नान जमीन तरस रहा है और कल उसके दस्तर खान पर मुस्तफ़ीद होने वालों की लहने खत्म हुई जी बिल्कुल इसलिए कुरान पाक ने एक बात हमें ये दी कि ला तय अपने आप को अल्लाह से नाउमीद होने का जो अंदाज है उसको हमेशा के लिए ख़त्म कर दो यानी हमेशा उम्मीद ही होनी चाहिए उम्मीद होनी चाहिए, चाहिए। उम्मीद का वर्ड भी निकाल देना आप यकीन वो आया करीमा हाँ। कितनी खूबसूरत तिलावत की कि इन माल हाँ। उस रुस रन इन ना माल उस रुस डबल ताक़द के साथ परवरदिगार आलमीन जब फरमाए कि हर मुश्किल के बाद आसानी है तो हम मुसलमान होने के नाते क्यों मायूसी को अपने ऊपर तारी कर लें क्यों अपनी जिंदगी को उदासी से भर लें क्यों हम गमजदों के सफ में अपने आप को शामिल करें हम शादा फराह हैं आज मेरे परवर दिगार आलम और इसकी जो दूसरी सबसे बड़ी वजह हमारे सामने आती है वो ये कि हमारे अंदर शुक्र अदा करने का जज्बा पैदा ही नहीं आ, है। ये बड़ी बुनियादी बात है हमें माहौल इस तरह का मिलता है कि हर आदमी दुनिया में आने के बाद ऊपर को नज़र उठाए हुए है कि उसके पास इतने महल्लात हैं मेरे पास इतने होने है चाहिए है है। है। उसकी इतनी गाड़ियाँ हैं है है। ये होनी चाहिए उसके इतनी जायदादें हैं मेरी उससे इतनी बढ़कर हो भाई अल्लाह इज़्ज़त ने अपने हाथ में रखा है तुम जितनी शुक्रगुजारी का रास्ता इख्तियार करोगे वो फरमाता है ल इन शकर तुम ला अजी दन अगर आए, तुम शुक्रगुजार बनोगे तो मैं उसे दुगना करता चला जाऊँगा उसमें इजाफा करता जला जाऊँगा ये कौन कह रहा है व मन अस्दा को मिनल्ला जिससे बढ़कर सच्चा कोई है ही नहीं अल्लाह अल्लाहब जो सच्चों को पैदा करने वाला है हमारा उसकी बात पर इतना अहतम तो हो कि वो जब कह रहा है कि शुक्र गुजारी में तुम्हारे हालात बदलते चले जाएंगे है है मेरे पास अगर गाड़ी है तो मैं ये देखता हूँ कि ये फलां नंबर की है फलां स्टैंडर्ड की है इससे आला होने मैं ये क्यों नहीं देखता कि मुझे अल्लाह ने यह नहमत दी है कितने हैं जो इससे महरूम हैं मैं अगर साइकिल पर भी जा रहा हूँ तो ये शुक्र अदा क्यों नहीं करता कि मेरे कितने भाई पैदल चल रहे हैं शेख सादी रहमत ला ने इस जमन में बड़ी ख़ूबसूरत बात बताई वो फरमाते हैं कि एक मरतबा नमाज़ के लिए गया तो किसी ने मेरा जूता उठा लिया अब मैं जब नंगे पाँव मस्जिद से निकलने लगा हाँ। तो एहसास हुआ कि क्या हुआ मेरे साथ लेकिन अचानक मेरी नज़र एक ऐसे शख्स पर पड़ी जिसका पाँव ही ना था आए, आए, तो मेरे अंदर अल्लाह ने यह जज्बा पैदा किया कि अगर तुम्हारे पास जूता नहीं है तो दुनिया के अंदर वो लोग भी तो हैं जिनके पास पाँव ही नहीं है तो इस तरह जब हम अपने से ऊपर को देखने की बजाय ये जज्बा तो हो यानी ये दुनिया के अंदर मुसाबकत तो है कि मुझे जितना हो सके जायज़ तरीके से मैं आगे जाऊं लेकिन उसके साथ उसमें ये हो कि जो मिलेगा वो मैं अल्लाह की राह में जो है है ना वो तो अल्लाह को देने वाला तो किसी खसारे में रहता ही नहीं है और इसी तरह ये भी बहुत ज़रूरी बात है कि हम अपने मनफी जज्बात को मुसबत जज्बात पर गालिब करें उस बात की तरफ आए और अपने आप को दूसरी सबसे जो बड़ी बात है जो इंसान को आज इन तबाहियों में धकेल रही है वो ये है कि इंसान सिर्फ इस वजूद को देख रहा है ठीक लेकिन इसके अंदर जो हकीकत रूह है उससे वो गाफिल है बिल्कुल अगर इस जिसम को इतमान देना है तो रूह को भी उसकी गजा देनी पड़ेगी ठीक इसलिए कहा गया कि अला बे तत्में खुलू। वा, वा, अगर माशरे को आपने अमन से भाईचारे से मोहब्बत से अबाह हमदर्दी से खलूस से इशार से भरना है तो अपने अंदर रूह की गजा का अहमाम करो जब रूह मुतमिन हो जाएगी कायनात की कोई चीज़ तुम्हें बेतम ये कि डिप्रेशन की घाटी से निकालने के लिए जो सबसे बेहतरीन पाकिस्तानी माशरे पे जब आप एक निगाह डालते हैं आपको ऐसा लगता है कि जैसे हर तरफ जो है वो एक एनजाइटी बिखरी हुई है डिप्रेशन बिखरा हुआ है हर दूसरा आदमी आपको जो है अजीब कैफियत में नजर आता है क्या वजूहत आप समझते हैं रीजंस क्या हैं ज़रा बताइए है। पल्स पे हाथ रखिए सोसाइटी की कि एक्चुअल ये वजूहत हैं जिनको हम मतलब ना देख रहे हैं ना देख पा रहे हैं और नतीजा उसका जो है वो डिप्रेशन और एनजाइटी की सूरत में निकलता जा रहा है बिसमिल <coughs> पहले तो सर मैं अल्लाह तला का शुक्र गुजार हूँ उसने एक और ज़िंदगी और सेहत वाला दिन आप सबके साथ मुझे गुजारने का मौका दिया ये तस्वुरी डिप्रेशन से निकलने का है है ये जो जो आपने पेश किया डिप्रेशन से निकलने का जुमला वाह 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 क्या बात और ये जुमला जो है ना वो रोज़ जब मैं ये बात करता हूँ और जो ये सुन लेते हैं तो समझिए दोनों डिप्रेशन से आ, ये हैं पहला जुमला ही आपका डिप्रेशन से निकाल देता है <laughs> <laughs> वाह और लाखुरुद्लम नबी वसल्लम के साथ ही मुबारक पे सारी इज्जतें सिवल तबारक के लिए अच्छा सर ये आज का टॉपिक आपने अपनी बात से एंट्रो से ये जाहिर किया कि आपको भी ये महसूस होता है कि माशरे में एनजाइटी और डिप्रेशन बहुत बिल्कुल बिल्कुल जबकि आपकी ये फील्ड नहीं है मेरी तो ये फील्ड है आपकी तो फील्ड है और मैं पिछले तीस बत्तीस साल से जो है ना वो इन्हीं लोगों में बैठा बैठक तो फिर मुझे बताएं मैं कि मैं कितने लोगों को देखता हूँ मुझसे पूछे हैं कि मुझे ये डिप्रेशन या एनजाइटी कदम कदम पर नजर आती है कि नहीं आती है बताइए ना अच्छा मैं कह भी नहीं सकता और लोग सुन भी नहीं सकते उसकी बड़ी वजह है कि जब आप जहनी और नफसियाती बीमारियों के बारे में बात करते हैं तो लोग नाराज हो जाते हैं कहते हैं क्या आप हमें पागल कहना चाहते हैं लेकिन कुछ कह दे और समझता हूं कि दो लोगों का बड़ा रोल है और जैसे हजरत साहब बैठे और जो इस कराम जैसे हजरत साहब बैठे ये दो वो लोग हैं कि जिनका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है कि लोग इनको मानते हैं इनको सुनते हैं और उनको फॉलो करते हैं ये दो लोग जो हैं अगर हम नफ्सिया बीमारियों पर एनजाइटी पे डिप्रेशन में बात करें तो खुदकुशी ना हो तो खुदकुशी नहीं होगी ओके तो फिर घर में तलाक़ें नहीं होंगी ओके फिर जो है हराम हलाल का कॉन्सेप्ट जो है ना वो बहुत क्लियर कट नज़र आएगा तो फिर तो फिर जो है ना वो ना एन्जाइटी होगी ना डिप्रेशन होगी अदरवाइज अदरवाइज़ दुनिया में आपने अपने इंट्रो में बताया और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसको बहुत अच्छी तरह समझ लें देखिए एक नॉर्मल डिप्रेशन है और एक नॉर्मल एंजाइटी है ये होना चाहिए ओके okay. एक होना चाहिए भाई नंबर नहीं आए हाँ हाँ ठीक है नंबर नहीं आए okay, आपने okay. पढ़ाई की नंबर नहीं आए ठीक है आपको डिप्रेशन फील होना चाहिए आ, हा, हा। मुझे वक्त पे टीवी उड़ाव में पहुंचना है चाहे धुंध है गाड़ी खराब है मुझे एंजाइटी होनी चाहिए ओके okay, ठीक है मुझे एंजाइटी होनी चाहिए जो okay. मुझे पुश करे और मैं वक्त पे पहुंचने की कोशिश करू बिल्कुल सही ये एक नॉर्मल बिहेवियर है लेकिन अगर ये दोनों चीजें आपकी जिंदगी के सारे मामूलात को तबाह कर दें हाँ। तो फिर इसको बीमारी कहते हैं ओके और इस बीमारी को मानना चाहिए जो लोग बीमारी को नहीं मानते वो अल्टीमेटली अपने साथ दूसरों की जिंदगियों को भी खराब कर देते हैं। ओके पूरी दुनिया में इस वक्त जो आबादी है वो आठ अरब की आबादी बिल्कुल ठीक है डब्ल्यू एच ओ ये कहता है कि इस आठ अरब में से दो अरब लोग यानी ऑफ पॉपुलेशन अफेक्टेड बाय मेंटल हेल्थ इश्यूज ओहो चार लोगों में से एक आदमी कहीं ना कहीं से किसी ना किसी वक्त में कोई जहनी और नफसियाती बीमारी से जूझ रहा है और अगर आप वैसे देखें तो मगरब में तो खुदकुशियाँ बहुत ज्यादा बढ़ती चली उनस, जा रही है। अच्छा ये एक अजीब सी बात है मैं आपको बताऊँ कि एक तो खुदकुशियां बढ़ भी रही हैं इवन पाकिस्तान की जब आपने बात की और लेकिन रिपोर्ट नहीं होती सर बहुत रिपोर्ट नहीं होती। एक तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में रिपोर्ट नहीं होती नंबर 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 वन <laughs> नंबर वन चीज नंबर चीज टू जो है वो ये ये है है कि ये होता क्यों इतना ज्यादा हाँ बताइए ना जो असल इंपॉर्टेंट बात वो है हाँ बताइए एक तो जो हजर साहब ने फरमाया कि हमें जो नाशुक्रापन का एलिमेंट है ये एक माशरती वजह है कि जब हम अपने से ऊपर देखते हैं तो हमें एनजाइटी और डिप्रेशन पैदा होता है उसमें मैं नबी अलैहि वसल्लम की ता मुबारक की वो सुन्नतें ज़रूर बताना चाहता हूँ कि बींग डॉक्टर बींग ए साइकेट्रिस्ट बींग नफस्यात से रिलेट शख्स होने के बावजूद मैं ये कहता हूँ कि दुनिया में जो सबसे बड़ा मॉडल है ज़िंदगी गुजारने का सबसे बड़े साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट वो नबी बागली व्लीम के मुबारक बेशक तो दो हदीस हैं सर बड़ी इंपॉर्टेंट और बहुत सदा हर बंदे ने सुनी हुई अमल करना शुरू कर जनाब अपने से नीचे देखो वाह 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 तो नेमा तो, नेमा तो। जब आप अपने से नीचे देखूंगा मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने जो ये टीवी प्रोग्राम देख रहे हैं वो फाउंटेन हाउस जैसे इधारों में या किसी और हॉस्पिटल में मे अस्पताल मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ कराची में सिविल अस्पताल इमरजेंसी में चले जाएं एक चक्कर हफ्ते का एक चक्कर लगाए अपने बच्चों को ले जाके पंद्रह मिनट बैठ जाएं जाए खत्म हो जाएगी डिप्रेशन खत्म लग पता जाएगा कि आप कितने बड़े कितने बड़े जो है ना किस पोजिशन पे और वजुआत बताइए दूसरा दूसरी बात जो मैंने बताई आपको कि जो बीमारों की तीमारदारी करें ये उसी से रिलेटेड है जब आप बीमारों की तीमारदारी करते हैं तो वो जो आप मुसीबत पड़े हुए हैं ना कि मेरे पास जो है ना वो क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए ये चीज़ जो है वो उसी सूरत में होगी जब आप देखेंगे क्योंकि तो देखने से सबसे ज़्यादा असर पड़ता है वाह अच्छा एक अब तो ये तो माशरती बात है लेकिन मैं आपको जो इम्पोर्टेंट बात बताऊँ वो है जीन्स वो जीन्स जो है ना वो ट्रांसफ़र करती है ये बीमारियां। अच्छा, ये अच्छा जी डिप्रेशन एनजाइटी ये बीमारियां जीन्स में ट्रांसफर होती अच्छा। है और जो खास तौर पे इस वक्त कोरोना के बाद जो सबसे हाँ। ज्यादा दो बीमारियां फैली हाँ। पूरी दुनिया में अपने अपने इंट्रो में बताया जी, है जी, वो जी। वो यही डिप्रेशन और एनजाय है अच्छा जब ये डिप्रेशन एनजायटी बीमारी के सूरत में आ जाती है और इतनी बीमारी की सूरत में आ जाती है कि बंदा दुनिया से हट जाता है अकेला हो जाता है तो फिर उसको जरूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए बिल्कुल अच्छा हमारे पास अलमिया एक और भी हो गया हमने अपने घरों में जो हमारे बुजुर्ग थे जो एक खानखानी निज़ाम था जे, जे। हमारे जो बड़े थे जहां हम कैथारसिस करते थे जहां हम बात करते थे हमने वो बात वो भी खत्म खत्म कर दी हमने एक तो खान खत्म कर दी दिन भर बैठ के की हराम है हलाल है और इसके अलावा आपने बुजुर्गों को कोने पे लगा दिया कि इनको कुछ पता नहीं है मुझे सब कुछ पता है बिल्कुल सही नतीजा ये हो गया आप अकेले हो गए हो गए बिल्कुल ठीक है आइसोलेशन में चले गए हाँ. तो नतीजतन फिर आप बीमारी जब आई तो आप उसकी ट्रीटमेंट की तरफ भी नहीं गए आप ये देखिए डॉक्टर साहब मैं जब बात आप कर रहे थे ना आफ्टर कोरोना ये जो पोस्ट कोरोना आप बात कर रहे हैं मैं वो देख रहा था संदीप मेश्वारी जो है वो बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर है हिंदुस्तान का मेरा ख्याल अट्ठाईस मिलियन के करीब उसके फॉलोअर्स हैं मेरा ख्याल अगर टोटैलिटी में पूरे पाकिस्तान को आप देखें तो वो एक तो एक पढ़ने में रखें दूसरे में उसको रखें उसने अभी रिसेंटली एक मतलब एक्स पे अपना एक स्टेटस दिया है जो उसमें बताया कि जी मैं मतलब बहुत ज्यादा डिप्रेशन में मुठतला जस्ट इमेजिन एक मोटिवेशनल स्पीकर तो उसके अपने साथ एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो देखिए वो यही हालात जो है ना वजह क्या है हाँ। वजह ये है कि जब आप बात अगेन वही आ गई कि जब आप मटीरियलिस्टिक अप्रोच से एक कदम ऊपर आते हैं ना तो फिर आप जिंदगी की असल की तरफ जाते हैं ये जो मटीरियल है ना वो आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है आपको अपनी असल की तरफ चलना पड़ता है डॉक्टर तो साहब ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट और ये इसी बात को इस तरह से रिलेट कर लें मैं अगर मिसाल के तौर पे इस वक्त देखने वाले अगर आपसे समझना चाहें और मैं आ, एक आम सी एक व्यू आपसे लेना चाहूं एक एक बच्चा है आ, या एक बच्ची है अचानक खबर आती है उसने खुदकुशी कर ली और एकदम मतलब घर वाले भी शॉकड हो जाते हैं जो अतराफ़ के लोग होते हैं रिलेटिव्स भी शॉकड मतलब दोस्त भी मतलब अहब भी ये क्या हो गया मतलब सब कुछ तो सही था तो वो वो कैसे मतलब मालूम हो कि एक नौजवान बच्चा बच्ची या अधेड़ उम्र या वॉट मतलब कोई भी मतलब वो एज हो सकती है वो क्या हुआ ऐसा क्या कि इस हद तक वो चला गया और उसने जाके जो है ख़ुदकुशी का अटैम कर लिया बताइए जरा जी बहुत शुक्रिया <coughs> अच्छा काफ़ी इस पर बात हो चुकी है मज़हब के हवाले से अभी आ, बात की इन्होंने और डॉक्टर साहब ने एक्सप्लेन किया है इसको सोशल <coughs> फैक्टर्स के अंदर तो सुसाइड जो है ख़ुदकुशी जो है असल में ये इस, इस लेवल से बात जब बढ़ जाती है कि यंगस्टर जो है आमतौर पर यंगस्टर्स के अंदर सुसाइड का रेट बहुत हाई है क्योंकि इमोशंस जो हैं वो एक आउटबस्ट होता है इमोशनल स्टेट जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होती है एज के साथ अंडर थर्टी जो है बहुत हाई रिस्क है सुसाइड का ठीक है तो अब आपने बोला कि अचानक खबर आती है कि खुदकुशी हो गई है ठीक है मैं ये कहता हूँ कि वो वो बंदा जो है वो इंसान जो ख़ुदकुशी जिसने की है वो पता नहीं कब से ये इंडिकेटर्स हमें दे रहा था ओके okay. और हम उसको सुन नहीं रहे थे हम उसको अटेंड नहीं कर रहे थे हाँ. बेशुमार वजूहत हैं हम इसको कैजुअल लेते हैं कि अच्छा यार, यार ये क्या तुम बातें करते रहते हो हर टाइम मरने की बातें करते हो सब ठीक हो जाएगा टाइम के साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा मैं आज इस चैनल के तस्त से ये कहना चाहता हूँ कि यह एक बहुत सीरियस इशू है इसको आपको एक मेडिकल इमरजेंसी के तौर पे लेना चाहिए इसको आपको इतना लाइट नहीं लेना चाहिए ठीक है फौरी तौर पे आप ख़ुद भी उसको अटेंड करें उसके साथ बैठें उसकी बात सुने और फौरी तौर पे किसी साइकेट्रिक यूनिट के अंदर साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के साथ फौरी तौर पर विज़िट करवाएँ डॉक्टर साहब कैसे मालूम हो कि कोई ख़ुदकुशी की तरफ चला गया या जाने वाला है ठीक है अच्छा अभी डिप्रेशन की जो नेचर है असल में वो ऐसी है कि जब इसको मैयर करते हैं तो हम कहते हैं कि पिछले कुछ अरसे से पिछले कुछ दिनों से क्या चेंज महसूस हो रहा है ठीक है ठीक है ये जो चेंज का इंडिकेटर है ये तमाम लोगों के माइंड में होना चाहिए ओके। आपके घर में जो भी अफराद हैं आप देख रहे हैं यार कि नॉर्मली ऐसा रहता था तो अभी ये थोड़ा बदला सा है अभी इसका मूड जो है वो थोड़ा बदला सा है तो क्या वजह हो सकती है क्या इसको अटेंड करना चाहिए इसको हमें फ़ौरी तौर पे अटेंड करना ये इंडिकेटर है जो आप पूछा ना ये इंडिकेटर है इसको हम मैं समझते हैं यार अच्छा कोई वजह हुई है कोई बात हुई है एग्जाम में नंबर कम आए कोई और वजह है तो चलो इसका मूड डाउन है खुद ही ठीक हो जाएगा क्या वो जो डाउन मूड है वो प्रोलॉन्ग कर रहा है okay. वो लंबा चल रहा है ये खतरनाक बात है ये यहीं पर आप इसको एज ए सिग्नल लें और फौरी तौर पर आप रुझू करें अच्छा एक और चीज़ डिप्रेशन में एक बंदा जा रहा है उसका मूड लो है और वो घर वालों के साथ बैठना उसने बंद कर दिया है अपने आप को महदूद कर लिया है दोस्तों के पास जाना छोड़ दिया है ये सबसे क्लियर इंडिकेटर्स हैं ये तो हमारी ऑब्जर्वेशन में आ सकते हैं इस पर कोई मसला नहीं है कोई बड़ा हमें स्किल नहीं चाहिए तो सिंपल ऑब्जर्वेशन है ठीक है अगर वो ऐसा कर रहा है तो फ़ौरी तौर पे उससे बैठें उससे बात करें अगर वो आपको लगता है बात करके कि ये वाकई इतना डिस्टर्ब है तो इसको फौरी तौर पे साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाए ठीक है अच्छा उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि डिप्रेशन में जो बंदा चला गया है वो खुदकुशी के रिस्क पे आ चुका है क्योंकि आपको पता नहीं चलता कब ये मर्ज बढ़ता हुआ हाँ। खुदकुशी के लेवल पे चला जाता बिल्कुल और वो एक अचानक खबर आती कि जी आ, नौजवान ने खुदकुशी कर ली ऐसे ना बच्चों बच्चों का हुआ है नौजवान थीके? बच्चे बच्चियों ने ख़ुदुशियाँ कर ली हैं मतलब लाइव आपको याद होगा एक वाकई कराची का हुआ था बरह रात वीडियो कॉल के ऊपर जो लड़के लड़कियाँ वो इस डिप्रेशन में चले गए थे कि उन्होंने उसी वक्त मतलब अपने आप को जो गन शॉर्ट कर लिया था बिल्कुल ऐसा बिल्कुल सही हमें मैं समझता हूँ कि ये जो कलेक्टिव कल्चर है हमारा पाकिस्तान का फैमिलीज़ आपस में हम बहुत कनेक्टेड हैं तो इस कनेक्शन को हमें अंडरस्टैंड भी करना चाहिए मेडिकली भी ये मेडिकल इशू है डिप्रेशन जो है ये एक मेडिकल इशू भी है वो जो आ, इन्होंने बात की इलामा साहब ने ये तमाम चीज़ें मैटर करती हैं कि आप आ, रिसर्च बताती है हमें प्रॉपर पूरी दुनिया की पाकिस्तान की पूरी दुनिया की रिसर्च बताती है कि मज़हब से जो लोग जुड़े रहते हैं आम तौर पर उनके अंदर जहनी बीमारियाँ कम होती हैं बिल्कुल ठीक है ठीक है क्योंकि होता ये कि जो ये नमाज और इबादत हैं ये आपके जहन को मुरतकज रखती हैं बिल्कुल ठीक है बिल्कु ये आपको आपकी को से... बरकरार रखती हैं ठीक है तो आप ऑटोमेटिकली किसी बीमारी में आपके मुबला नुस्या है असल में है 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 ही आपका जहन जो हो जाता ठीक है, है। आपको एक सेंस फील होती है कि यार मेरा खुद पे कंट्रोल खत्म हो रहा है ग्रेजुअली आपका खुद पे कंट्रोल जो है अपने इमोशंस पे अपनी फीलिंग्स पे आप आपकी थिंकिंग के ऊपर वो ग्रेजुअली वो कौन सा मोमेंट होता है कि जिस वक्त इंसान ये तय कर लेता है एक लड़का एक लड़की या किसी भी उम्र का आदमी औरत कि अब जो है मतलब मैं मैं मुझे ख़ुदकुशी ही कर लेनी चाहिए वो मोमेंट क्या होता है वो मोमेंट ऐसा है कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक एक जगह पे जैसे ये दरमियान में टेबल है एक बच्चा यहाँ बैठा है और वो देखता है कि एक एक करके सारे दरवाजे जो हैं वो बंद हो रहे हैं कोई दरवाज़ा ऐसा खुला नहीं है जहाँ पे वो डिस्प्लेस कर सके अपनी फीलिंग्स को अपने इमोशंस को कोई उसकी बात नहीं समझ पा रहा सुन नहीं पा रहा सुन नहीं पा रहा समझ नहीं पा रहा ये वो मोमेंट है जहाँ पे चांसेस हैं कि वो समझेगा यार कि अब मेरा जीने का मकसद जो है वो ख़त्म हो चुका है ठीक है और मैं बार बार कहूँगा कि जो आप जानना चाह रहे हैं वो ये बात है कि हम ध्यान से सुन नहीं रहे होते अपने साथ बैठे बंदे को हम ध्यान से आ, सुन नहीं रहे होते बिल्कुल ठीक है तो वो फिर हम कहते हैं बाद में अच्छा यार उसने कभी, तो उसने कभी जिक्र तो किया था मुझे लगा ऐसे ही वो बात कर रहा था कोई ऐसी अभी ब्यूरोक्रेसी में।, में मुझे वो हमारे प्रोड्यूसर मलिक साहब बता रहे थे उन्होंने कुछ दिन पहले मुझे एक दिखाया किसी लड़के का तो वो गालिबन मतलब डिप्टी कमिश्नर था आई थिंक मतलब क्या बड़ा अच्छा लड़का यंग लड़का और उसने इसी तरह से चैट करते हुए सिर्फ ये जुमला कहा है कि मैं खुदकुशी कर लूंगा उसको बहुत लाइटर मोड पे भी लिया भी 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 उस, भी मतलब भी भी और दूसरे हैं डिप्टी तो कमिश्नर डी जी खान ने है ना वो जो वाक हुआ और दूसरे उसने खुदकुशी कर ली कर ली बिल्कुल तो कभी वही अगेन वही बात है कि आप जब सुने तो वह से सुने कि इसके पीछे कुछ ना कुछ हो सकता है ना ये ये बहुत छोटे छोटे से टिप्स हैं लेकिन होता यह है कि अमूमन इंसान जो है फिर बाद में मलामत करता है काश काश मैं सुन लेता उसकी काश मैं उसकी बात समझ लेता काश मैं उस पर तवज्जो दे देता काश मैं उस पर फोकस कर लेता काश मैं आगे बढ़ के उसके मसले का हल कर देता उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसको दे देता भाई इतना सा तो मसला था ना देख लेते लेकिन वो इतना सा मसला आपके लिए था उसने तो इतने से मसले को अपनी एन्जाइटी के लेवल पे जाके वो डिप्रेशन का उसे एक पहाड़ बना दिया था कि जिसमें फिर आगे उसको तारीख रात के अलावा और कुछ नजर नहीं आ रहा था उसने क्या किया अपने को शूट किया ख़त्म कर दिया दुरूद पाक पेश कीजिए सरकार की बारगाम उनके आल की बारगाम आपको बतलाते हैं कि अगर कोई शख्स अपनी ज़िंदगी से तंग आके ख़ुदकुशी कर ले तो उसके लिए कितनी शदीद तरीन वहीदे हैं लेकिन मैं एक बात आपसे बहुत अहम आज करने वाला हूँ वक्फे के बाद बात करता हूँ इन शाला जनाब एक बार फिर मैं आपको खुश आमदेद कहता हूँ पहले तो सुबह सुबह ज़रा मुस्कुरा कर जो है वो एक दूसरे को एक बड़ा ही अच्छा सा गुडविल से जसर दीजिए जो आपके करीब आपके अतराफ़ में जो आपके रिश्ते बैठे हुए आपकी बेटी की सूरत में आपके बेटे की सूरत में शौर की सूरत में बीवी की सूरत में बच्चे की सूरत में वालदेन की सूरत में तो एक मुस्कुराहट के साथ सुबह का आगाज़ किया कीजिए कि सबसे पहली बात तो ये दूसरी जो हम तरीन बात मैं ऐसा करने जा रहा हूँ और वो वो ज़रा तवज्जो से मेरी बात सुन लीजिएगा आप डॉक्टर साहब ने बहुत ज़बरदस्त इस वक्त मिसाल दी है बड़ी कमाल मिसाल है मैं तो मतलब इस बात का बड़ा फर्म बिलीवर हूँ कि आपको अगर बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम है ना कि साहब वो ढाई फुट ऊँची गाड़ी मेरे पास क्यों नहीं आई अभी तक और जनाब मेरा बंगला क्यों नहीं हुआ मेरा फ्लैट क्यों नहीं हुआ वो इतना आगे चला गया ये इन्जाइटी वो डिप्रेशन ये मसला वो मसला एक मारधाड़ अंदर चल रही होती है वो मारधाड़ फिर बाहर आना शुरू हो जाती है वा आपके रवैयों से आपके अल्फाज़ों से और फिर आपके एटीट्यूड से झलकना शुरू होती हैं फिर एक वक्त ऐसा आता है कि एकदम मैंने कहा ना कि वो एक सौ बीस की स्पीड पर आप जा रहे हैं और हाईवे पर जाके ब्रेक लगता है आपकी जिंदगी आप तमाम कर देते हैं कुछ ना कीजिए आप कुछ ना कीजिए तो बहुत आसान मैं आपको बता देता हूं और वो समझ लीजिए अगर आप हॉस्पिटल नहीं भी जा सकते ना कुछ ना कीजिए सिर्फ सोशल मीडिया को खोल लीजिए सिर्फ सोशल मीडिया को क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर इतनी खबरें नहीं मिलेंगी और कुछ ना कीजिए गजा को देखना शुरू कर दीजिए मैं आपको सच बता रहा हूं मैं आपको सच बता रहा हूँ मेरे जितने देखने वाले वक्त मुझे दुनिया में देख रहे हैं आप यकीन मानिए मैं आपको फॉर्मूला देख रहा हूँ अगर आप, दे रहा हूँ अगर आप डिप्रेशन में मुफ्तला है ना अगर आप एंगजाइटी में मुफ्तलाएं आप कुछ मत कीजिए आप सिर्फ गजा को देखना शुरू कर दीजिए खुदा की इज्जत वलाल की कसम आप सजदे से उठेंगे नहीं मैं आपको सच बता रहा हूं आप सजदे से नहीं उठेंगे ये जो एंगजाइटी डिप्रेशन ही क्या होता है भूल जाएंगे आप यानी वो मंजर जरा सोचिए ना आप तो तस्वर भी नहीं कर सकते और खुदा ना दिखाया हम लोगों को वो मजर तो आपके। आपके का हिस्सा है कि आटा जो है वो सड़क के ऊपर बिखरा हुआ था और बच्चे बेचारे उस आटे को सड़क से उठा उठा के जाने सोचिए आप आटा जमा कर रहे थे मतलब आटा कैसे जमा होगा मुझे आप बताइए लेकिन उसके बावजूद वो मट्टी के साथ आटा जमा करके अपनी बोरी में डाल रहे थे अपनी अम्मा को देंगे और मट्टी के साथ वो जो पका खिलाएगी मतलब समझिए इस लेवल की जाके मैला आपको देख समझा रहा हूं कि उनके पास आटा तक खाने को नहीं है भूल जाइए जो कुछ शादतें वहां पर हो चुकी हैं वो तो अलमानफीज में पूरा मतलब एक घंटा अगर मैं बोलता रहा हूं तो बात खत्म नहीं होगी आप यकीन मानिए लिहाजा अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए हराल में परवरदिगार ने जो कुछ दिया बहुत अच्छा आपको दिया है बहुत अच्छा दिया है जब यह सोच पैदा हो जाएगी ना फिर आप देखिए कि एंगजाइटी और डिप्रेशन जो इन शाला कभी आपके करीब नहीं आएगा जरा तो प्रोफेसर साहब एक बात बताइए और एक बड़ी अहम तरीन बात है साहब अगर कोई शख्स मतलब अपनी जिंदगी से ये बड़ा एक अल्टीमेट फैसला होता है और मैं तो आज तक नहीं समझ पाया साहब कि इंसान किस स्टेट ऑफ माइंड में चला जाता है कि अपनी जिंदगी को ख़त्म कर देना यानी मतलब जो है वो अपना ये जहर एक मतलब ग्लास के अंदर डाल देना एक कप में डाल देना उसमें पानी डाल देना उसमें खुद भी पी लेना अपने बच्चों को पिला देना मतलब गन को लोड कर लेना अपने कन पे रख देना अपने बच्चों की कनपट्टी पे रख देना उनको मार देना खुद अपने आप को मार देना मतलब ये कैसे हो जाता है तो अगेन वही बात इस्लाम क्या कहता है ज़रा बताइए इसके बारे में जो वहीदे इस्लाम इंसानियत का दीन है सबसे पहले वो इंसान के जहन में इस बात को राशिक करता है कि जिंदगी तूने खुद नहीं ली किसी ने दी है वाह दूसरी बात यह है कि जिसने दी है उसी को इसे लेने का हक है उसके अलावा यह हक किसी को नहीं दिया जा सकता वाह इसलिए रब्बुल आलमीन का यह फैसला है कि मैंने बंदे को जो जिंदगी दी है उससे वो अगर जल्दी करके अपने तौर पर भाग कर मेरी तरफ़ आने की कोशिश करेगा तो मैं उस पर जन्नत को हराम कर दूंगा हमेशा के लिए उसके लिए आग ही आग होगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिर्फ ये नहीं फरमाया कि लातुल को एद बेहदी को मिलता हलों का अपने आप को हलाकत में न डालो अल्लाह ने सिर्फ ये नहीं फरमाया कि ला तक तो कि के अपने आप को कतल ना करो और गरीबी के डर से अपने बच्चों को मत कतल करो बल्कि उसने इंसान पर लाजिम करार दिया है कि ये जो मैं तुम्हें ज़िंदगी अता कर रहा हूँ मेरी तमाम तर नेमतों के हुसूल की बुनियाद यही ज़िंदगी है ज़िंदगी है तो नेमतों से बिल्कुल हूँ इसलिए उसने एक जान लेने को पूरी इंसानियत का कत्ल करार दिया है एक जान बचाने को पूरी इंसानियत को बचाना करार दिया है वाह अब जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि इंसान हालात के तकाज़ों के मद्देनज़र नज़र अपने आप को इस तरफ ले जाता है कि ज़िंदगी से मायूस होकर अपने आप को ख़त्म कर लेता है उसे ये मालूम होना चाहिए कि पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब एक सहाबी इतना सवाल करते हैं कि क़यामत कब आएगी तो आपको ये गवारा नहीं हुआ फौरन फरमाया माँ आदत तूने उसके लिए क्या तैयारी क्या तैयारी की, है? की है? हमने तुम्हें जिंदगी दी है तुमने मरने के लिए तैयारी करनी है मारना नहीं है मारना नहीं है बिल्कुल और नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु वसल्लम ने खुदकुशी करने वाले का जनाजा नहीं पढ़ाया अच्छा आपने इनकार कर दिया खुदकुशी करने वाले का जनाजा नहीं पढ़ाया नहीं पढ़ाया आपने उसका अक्षा जनाजा अक्षा पढ़ाने से इनकार कर दिया समझा किया है वजू का बड़ा खूबसूरत मकोला है जुनेद साहब जी जी फरमाइए आप फरमाते हैं की जिंदगी का एक लम्हा आखरत के हजार साल से बेहतर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर और नबी अकरम रहमत आलम अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक उम्मत को मिसालें दी हैं कि जो आदमी इस ज़िंदगी को ख़त्म करने के लिए अपने तौर पर जो कदम उठाएगा मिसाल के तौर पर बुलंदी से नीचे गिरा लिया फरमाया कि वो जहन्नम में होगा और हमें खाल दन मुख्ला दन के अल्फाज हैं कि ऊपर से गिरता रहेगा जलता रहेगा फिर ऊपर लाया जाया जाएगा फिर ऊपर इसी हालत में जिस जिस हालत में जो इंसान दुनिया में ख़ुदकुशी करता है है, वो उसी कैफियत के साथ हमेशा के लिए अजाब उसके लिए अजाब से खलासी का नहीं मैं जरा एक टिफिल मकतब की हैसियत से समझना चाहूँगा एक आदमी ने अपने आप को गन शॉट किया या एक आदमी ने अपने आप को जहर दे के मारा या अपने आप को मतलब पेट्रोल छड़क के जो है वो जला दिया किसी या ऊपर से वो कूद गया तो वो क्यामत तक इसी तरह से नबी अकरम रहमत आलम वसल्लम का ये फैसला है कि वो इसी हालत से हमेशा के लिए गुजरता यानी एक दफ़ा की तकलीफ नहीं है जिस से वो ख़लासी हासिल कर रहा है वो तो कंटिन्यूसली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इंसानियत के सबसे बड़े मोहसिन और सबसे बड़े दाना हैं, आप फरमाते हैं कि एक शख्स ने अपने जख्म को अपने तौर पर किसी आले से उसको ठीक करने की कोशिश की वो ज़्यादा खून बह जाने की वजह से उसकी मौत हो गई तो फरमाया कि इसने चूँकि ख़ुद अपने आप को जख्म बढ़ाया है ये क्यामत तक बल्कि हमेशा आबाद, आबाद तक इसी तकलीफ़ में रहेगा और इस जमन में एक अहम बात जो मैं अपने नाजरीन को मतव करूँगा कि नबी अकरम रमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखारी शरीफ में अली रज़ी ने इसके रावी हैं कि लश्कर भेजा ठीक है उसका सरदार एक अंसारी को बनाया ठीक है साहबा से फरमाया कि तुमने इसकी बात को मानना है अपने अमीर की इतात करना है ठीक है अब वो अमीर उस लश्कर को लेकर गए तो रिवायत में आता है कि अमीर किसी बात पर उनसे नाराज़ हो गए ठीक है अब नाराज होने के बाद उसने कहा कि मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि यहाँ लकड़ियां इकट्ठी की जाए ठीक लकड़ियां इकट्ठी की गई ठीक है फिर कहा कि इनको आग लगाओ आग लगा दी गई अब उसके बाद वो कहता है कि तुम्हें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुमने मेरी इतात करनी है मेरा कहना मानना है तो मैं अब तुम्हें हुक्म देता हूँ कि इस आग में कूद जाओ अच्छा उसने जब ये उनको खुदकुशी करने का हुक्म दिया तो सहाबा रदी एक तरफ होकर खड़े हो गए कि इस आग से बचने के लिए तो हमने दीन को इख्तियार किया अब थोड़ी देर बाद उनका गुस्सा ठंडा हुआ और बात आई गई हो गई जब वापस आए तो रसूल अकरम रहमत आलम अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अमीर की इतात बुरी बातों में गुनाह के उमूर में नहीं है नहीं, अच्छी है। बातों में इतात कर है। है। और अगर तुम में से कोई उस वक्त उस आग में कूद जाता हाँ। ये जो आज खुदकुश होकर और हम लोगों की जाने लेते हाँ। हैं उनको हजूर इस्लाम का ये इर्शाद याद रखना चाहिए फरमाया कि अगर तुम अपने अमीर की बात मानते हुए उस आग में अगर तुम कूद जाते तो क्या मत तक तुम उसी आग से निकल आग में ही जलते रहते गब, इस्लाम ने इंसानी जिंदगी को खूबसूरत बनाने इससे फ़ायदा उठाने इससे अल्लाह की नहमतें हासिल करने के लिए ना कि ये कि किसी बात पर तंग आकर इंसान अपने आप को वो जो मेरी कस्बी नहीं है मेरी वह अल्ला भी अल्लाह की दी हुई है मैं उसका हाँ। ये ये, ये देखे ना ये भी अल्लाह का प्यार है ये भी अल्लाह का प्यार है आप ये देखिए कि जान हमारी है लेकिन अल्लाह ने फरमाया नहीं तुम्हारी नहीं है दीवी तो मेरी है अमानत तो मेरी है हाँ तुम ठीक है कस्टोडियन हो लेकिन तकलीफ यानी देखें उसका प्यार का लेवल देखें क्या है इंसान सिर्फ अगर बंदा खुदकुशी करता है तकलीफ अल्लाह हाँ। को, अल्ला को होती है यानी अल्लाह अल्ला कितना हमसे प्यार करता है कि वो चाहता ही नहीं है कि बंदा जो है किसी तौर से अपने आप को नुकसान दे अब जरा एक बात बताइए कि अगर कोई दर्जे के डिप्रेशन में चला जाता है और सूरत हाल ये साहब कि हमें लगता है कि खुदा ना खास्त अगर हमने इसको इसको इस वक्त जो है वो अपना टेकअप नहीं किया इस केस को तो और अगर इसको, 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 इसको रेस्क्यू नहीं किया तो ये मामला आगे जाके डिज़ास्टर हो सकता है बहुत बड़ा तो उस मरज से कोई भी चाहे वो मर्द है औरत चाहे बच्चा है उसको कैसे निकाला जाए बताइए अच्छा ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है नेचुरली बहुत खूबसूरत गुफगू भी हो रही है बड़ी डिटेल में बात भी हो रही है एक मैंने स्टडी पढ़ी सर जो मैं आपसे शेयर करना चाहता रहा हूँ और वो स्टडी ये है कि पूरी दुनिया में ख़ुदकुशी के रुझान बढ़ भी रहे हैं एक मखस एज ग्रुप है जिसमें सबसे ज्यादा लेकिन जो लोग अल्लाह उसके रसूल के साथ जिनका लिंक है वो सबसे कम खुदकुशी करते हैं ऐसा ही है और इसकी स्टडी जो है ना वो स्टडीज़ जो है वो सारी दुनिया के मुल्कों में खासतौर पर मलेशिया ईरान यहाँ पे ज्यादा हुई है और उन स्टडीज से ये साबित हुआ कि जितने लोग जो लिंक्ड हैं इस तरह के मामले में वो लोग कम खुदकुशी करते थे तो एक, एक जुमले का मुझे भी इजाजत दीजिए अभी मैं एक यूट्यूबर का इंटरव्यू देख रहा था उसने कहा मैंने जिंदगी में सब हासिल कर लिया फॉलोअर्स लाखों की तादाद में हो गए मेरे पास मेरे पास कुछ नहीं था मैं बिल्कुल कंगला था गाड़ी ले ली मैंने गैजेट्स मेरे पास जो मुझे शौक था घर मैंने बेहतरीन से सब कुछ कर लिया क्या लगा अब मुझे अंदाजा होता है कि मैं बेसुकूनी की कैफियत में मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं करूँ क्या अब करूं क्या अब करूं क्या वो जो खालीपन है जी जी जो खालीपन है अब वो एक स्टेप ऊपर मांग दिया जी बताइए अच्छा अब सर इंपॉर्टेंट जो सबसे बात है कि अब हो गई डिप्रेशन आपको और जब डिप्रेशन हो गया और डिप्रेशन ऐसा हुआ कि जिसको मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर कहते हैं और ये इतना खतरनाक होता है कि अल्टीमेटली खुदकुशी की तरफ लेके जाए अच्छा जब खुदकुशी की तरफ ले जाने वाली बात है तो उससे पहले जब डिप्रेशन होता है तो वो सारी इंडिकेशन क्लियरली नजर आ रही होती है वो दुनिया से अलग जिस तरह भी दोनों हजरात ने मेरे बताया कि अलग हो जाते हैं सब अकेलापन है लेकिन जो साथ वाले हैं फिर वही बातें कर रहे होते हैं कि ये तो ड्रामा है और ये जो है बस ऐसी काम नहीं करने की इसकी आदत पड़ी हुई है और इसके अब्बा भी ऐसे ही थे इस तरह के मामलात और ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जाते क्योंकि साइकेट्री की ट्रीटमेंट लेना एक स्टिग्मा है आज भी हमारे इस माशरे में हाँ सही बात है तो मेरी रिक्वेस्ट ये है उलमा के पास ज़रूर जाए जो उनसे मदद है वो ज़रूर लेकिन हर आदमी आलिम नहीं है तो ये जाली बाबे जो बैठे हुए हैं कि जो आपको झूठे तावीज़ और घंटे देते हैं हमारे पास हमने अपने हॉस्पिटल में जब रिसर्च की कि हमारे पास जब जंजीरों से बांध के लाए जाते हैं जब जिसम को जलाए हुए लोग लाए जाते हैं बेटियाँ लाई जाती हैं तलाकों के बाद ख़ुदकुशी करने की कोशिश करने वाली बेटियाँ लाई जाती हैं तो ये कहाँ से होके आती हैं तो पता चला कि सात आठ जाली बाबों के पास से होके आती है सर <laughs> तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जो आज टी वी का देख रहे हैं तो जहाँ पर ये जो इंडिकेशनस दे रहे हैं कि बच्चा जो है ना कमरे में बंद है और वो आइसोलेटेड हो गया है वो बात नहीं कर रहा है हाँ, उसको सुने हाँ, हमने सुनना छोड़ दिया सुनना छोड़ दिया हमने जो सबसे बड़ा है मामला सुने और जब हमें लगे कि ये नॉर्मल बिहेवियर नहीं है ठीक है तो ट्रीटमेंट की तरफ यानी आपने दो बातें एक तो ये कि हम सुने दूसरा ट्रीटमेंट की तरफ की हाँ। अच्छा अगर तो डिप्रेशन इतना सीवियर है कि वो साइकेट्रिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट के पास जाना जरूरी है तो जरूर लेके जाए ठीक है थीक और इससे इससे पहले वाला डिप्रेशन अगर हम हमको खुद अवेयरनेस हो जाए कि हम डिप्रेस हैं हमें बहुत ज्यादा एंजाइटी रहती है हाँ। तो भाई अल्लाह तला ने कुछ चीजें दी हुई हैं और वो है वॉक वॉक करना शुरू कर दें आप देखिए एनजाइटी डिप्रेशन कम हो जाएगी क्योंकि वो हार्मोन अल्लाह ताला ने यहाँ से तो सबसे खूबसूरत हार्मोन है जिनको ऑक्सीटोसिन सेरोटोनिन एंड पेन किलर्स ये अंदर मौजूद हैं और ये उसी सूरत में निकलते हैं कि जब आप रोशनी में जाते हैं सूरज का इस्तेमाल करना आपने छोड़ दिया आपने वॉक करना छोड़ दिया आपने अपने आप को आइसोलेट घरों में बंद कर लिया और गैजेट्स के साथ जिंदगी गुजारनी शुरू कर दी कि जो एबनॉर्मल बिहेवियर है हमसे पहला वाला माशरा जो था वो ज़्यादा सेहतमंद था ज़हनी एतबार से और जिसमानी एतबार से क्योंकि वो एक्सपोज करते थे अपने आप को माशरे से बाहर से अल्लाह ताला की नेमतों से सूरज से रोशनी उम्मीद की किरण है रोशनी मुहित की क्रिया हम ने हमने सूरज को छोड़ दिया बिल्कुल हमने वॉक को छोड़ दिया हमने जो है ना वो आसान और सादा जिंदगी को छोड़ दिया हमने मुख्तलिफ किस्म की ऐसी एक्टिविटीज करनी शुरू कर दी है कि जो गाड़ियों से रिलेटेड है जो दूसरी चीजों से रिलेटेड है फिर तो मसाइल आएंगे ही आएंगे फिर तो स्ट्रेस आएगी ही आएगी क्योंकि जब आप ये नहीं करते तो बड़ा ही खतरनाक एक हारमोन निकलता है जिसको एडिल हैं ठीक है जो आपको एंगजाइटी और बेचैनी क्रिएट करता है जो कॉटिसोल है वो जो एंगजाइटी और बेचैनी क्रिएट करता है तो फिर आप एक ऐसे लेवल पे आते हैं कि जब आपको सारे दरवाजे बंद रखते हैं जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया तो फिर अल्टीमेटली फिर ये वक्त आ जाता है कि वो समझता है कि अब कुछ नहीं हो सकता ठीक है तो फिर वो कुछ नहीं होने पर नतीजा ये होता है कि वो खुदकुशी की तरफ यानी इसका मतलब ये है कि वो जो एक उम्मीद का दिया है जी सर वो उसके अंदर जलाने वाली बुनियादी तौर पर बात है कि उसके अंदर एक उम्मीद का दिया जो है वो रोशन कर दिया जाए या नहीं सब कुछ खत्म नहीं हुआ आ, अभी बहुत कुछ बाकी है उसमें सर एक जुमला मैं जो प्रीश बड़ी इंपॉर्टेंट बात जी जी है जो मैसेज है बहुत इंपॉर्टेंट देखिए नबी पाक अलैहि वसल्लम की जाते मुबारक प्रीश पे प्रीश बात हो रही है अल्लाह ताला की उसकी बेतहाशा मोहब्बत की बात हमसे की जा रही है भाई जो उम्मत मोहम्मदिया है ये सिलेक्शन है यह सिलेक्शन है नबी वसल्लम की अपनी यकीन। टीम की कैप्टन की मर्जी के बगैर टीम सिलेक्ट हो सकती है आप इसी बात को अगर सोच लें वा। तो फिर आप आप किस पोजीशन पे करीम सलम की टीम के मेंबर हैं आप तो बहुत बहुत अच्छी बात है और इस टीम के मेंबर को तो बड़ा जो है वो अपना मुस्ताकम होना चाहिए अगेन वही बात अब जाहिर इस तरह के जब केसेज आते हैं डॉक्टर साहब खासतौर पर जब हम नौजवानों की बात करते हैं तो इसमें बहुत बड़ा रोल घर वालों का होता है बहुत बड़ा रोल दोस्तों का होता है गैदरिंग्स का होता है और बहुत बड़ा रोल जो है फिर माशरे का भी हुआ करता है लेकिन वही बात है कि आपकी फैमिली आपका ये दूसरी लेयर आपके दोस्तों की है और फिर तीसरी लेयर जो है वो आपकी सोसाइटी की है इब्तदा पहली लेयर से होती है अगर पहली लेयर ही जो टेकअप कर ले केस को तो फिर तो मसला आसान हो बताइए ज़रा आ, आपने जो डिस्क्रिप्शन दी है ना अभी एग्जैक्टली यही डिस्क्रिप्शन साइकोलॉजी के अंदर मौजूद है कि आपकी जो पहली लेयर है वो आपकी फैमिली है और फैमिली के अंदर Uh, जितने भी हमारे साइकोलॉजिस्ट uh, हैं जो हिस्टोरियन हैं साइकोलॉजी के अंदर तमाम लोग इस बात में मुतफ़ हैं कि पेरेंटिंग वालदे का जो रोल है तमाम चीज़ों में बच्चों की बचपन से लेकर बड़े होने तक uh. बहुत ही ज़्यादा है ठीक क्योंकि बच्चे के लिए जो कुल का इनात है वो उसके वालदेन हैं छोटा सा मसला होता है कोई बच्चा बहुत छोटा है सबसे पहले वो देखता है माँ की तरफ बाप की तरफ ठीक है बाकी रिश्ते उसके बाद आते हैं ठीक है बहन भाई और बाकी रिश्ते उसके बाद आते हैं तो मेरा ये ख्याल है कि थोड़ा सा हमें वालदेन को भी ट्रेन करने की ज़रूरत है ये जो ख़ुदकुशी वाला जो एज ब्रैकेट है इनके जो वालदेन है वो भी मुख्तफ मसाइल का शिकार होते हैं कभी कभी ऐसा होता है, है कि मतलब फैमिली अगर मतलब मिसाल के तौर पर अलग हो जाए तो वो एक बड़ा डिप्रेशन का मतलब वो बन जाती ब्रोकन है। फैमिली जो है वो एक ब्रोकन फैमिली का बड़ा इशू है।, है।, है तो मगर मैं समझता हूँ कि वाले को थोड़ा सा कॉन्शियस होने की ज़रूरत है थोड़ा सा अटेंटिव होने की ज़रूरत है और हमारी जिम्मेदारी जो है एज ए पेरेंट उसको टेकअप करने की ज़रूरत है उस बच्चे को सुनने की ज़रूरत है वो अगर लो जा रहा है तो ये हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है ठीक है तो आ, पेरेंटिंग पे कोई दो राय नहीं है कि जितने भी ज़ेनी वसायल हैं उनका लिंक जो है वो पेरेंटिंग से वालदे की तरबियत और उनके बच्चों के साथ बिहेवियर से है ठीक है तो पहला स्टेप वालदेन को अपने आप को थोड़ा सा कॉन्शियस करना होगा कि यार ये मेरा बेटा बेटी जो है आजकल इस तरह की बातें कर रहा है ये इस मामले में है तो मुझे क्या करना चाहिए इसमें रहनमाई ले लें ले, किसी क्लिनिक में चले जाएं ख़ुद की काउंसलिंग करवाएं फैमिली काउंसलिंग जो है फैमिली साइको एजुकेशन का वर्ड डॉक्टर साहब इसको uh, जानते हैं कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मरीज जो है वो ऑलरेडी एक और मेंटल स्टेट है अच्छा एक और बात कामयाबी नाकामी का जो मैार हमने सेट करवा दिया है या जो कल लिया माशरे के अंदर हमने दुनियावी तौर पे बच्चों को ये भी ट्रीट करने की जरूरत है और बताने की जरूरत है कामयाबी और नाकामी का असल क्या है ताकि वो जो एन्जाइटी है जो डिप्रेशन है उससे बाहर निकलें बाहर निकलें है ना और ये वालदेन के बाद मैं जैसे आपने बोला कि दोस्त अहबाब सब लोग आते हैं तो इस सिलसिले में मैं ही बात सोच रहा था कि आजकल भी जो इस्लाम इस्लाम का पर्सपेक्टिव हम डिस्कस कर रहे हैं तो इस्लाम में तो ये है कि अगर तुम्हारा हमसाया भूखा सो जाता है तो तुम कसूरवार हो बिल्कुल ठीक ठीक है, थीक है। तो आज आप देखें हमें तो पता ही नहीं है कि मेरे हमसाये में साथ लेफ्ट राइट सामने कौन रहता है वो कौन सी हुएटी का शिकार हैं हैं वो वो किन मसलों में हुए जो एक एक सोसाइटी का खूबसूरती थी कि लोग आपस में मिलते जुलते थे नमाज के टाइम पे और डिफरेंट ओकेजन पे वो बिल्कुल ही खत्म हो जो बाउंडिंग थी वो वो जो थी उससे थोड़ा सा रिवाइव करने की जरूरत है उसमें मीडिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कि रिवाइव करें वो जो बैठक सिस्टम था कि यार बाहर निकलते हैं आप मोहल्ले में ही अपने दूर नहीं जाना आपने लेकिन मुझे लगता है डॉक्टर साहब मतलब अगर मैं प्रैक्टिकली स्पीकिंग मुझे लगता है कि अब शायद वो, वो एरिया जो है ना हमारा बड़ा डिस्टर्ब हो गया है वो इस एबार से कि लोग खुदगर्जी में बेईशी में बहुत आगे तक बढ़ गए अपने मसाइल में बहुत उलझ में वो जो पहला पहली लेयर है ना पेरेंट की वो बड़ी आप इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं उस लेयर को मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है आपको क्या ख्याल है एग्जेक्टली बिल्कुल ऐसा है और इस सिलसिले में साइको एजुकेशन जो फैमिली की है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और फैमिली को पहला स्टेप उनको अवेयर करने का ये मसला है ये मसला एग्जिस्ट करता है आपको इसको डील करना है ये वाक इशू है क्योंकि आ, पेरेंट्स को लग रहा होता है कि यार कोई ऐसा मसला नहीं है जैसे डॉक्टर साहब ने बोला है कि की बच्चा बहाने कर रहा है एग्जाम नहीं देना चाह रहा सुस्ती का शिकार है और ये जो टाइटल्स हैं ये उसके लिए और डिस्टर्बिंग है बिल्कुल ठीक है ये जो टैग्स हम लगाते हैं ये उस बच्चे के लिए और ज्यादा डिस्टर्बिंग है और चांसेस हैं कि वो इस तरफ जाएगा वो है ना कि कॉल के तुम अपने बना बताओ मैं तुम्हें अपना किरदार बताऊंगा तो वो वाले को जो है ये भी देखने की जरूरत है कि आज जो सराउंडिंग्स है उसकी उसके जो दोस्त हैं गैदरिंग्स हैं वो कितनी मतलब किस तरह की है किस लेवल ये भी जरूरी है बिल्कुल बिल्कुल वालदैन मैं मैं ये कहता हूँ कि सोसाइटी जो है वो वालदैन के बल पे खड़ी है उनका जो रोल है वो वो कैसे अपने बच्चे को कितना मॉनिटर कर रहे हैं ये उनका है। उनका फर्ज है उसको मॉनिटर करना एक हेल्दी मॉनिटरिंग वो, अगर वो डिसकनेक्ट हो जाते हैं वो हैं कि यार आमतौर फादर बिल्कुल ही सुबह हाँ। उन्हें नहीं पता है बच्चों के हाँ। बैग्स के अंदर से ड्रग्स वेब्स और जनाटेड है कि आपको पता ही नहीं कि बच्चे क्या कर रहे हैं आपको ये पता ही नहीं चलता कि आपका बच्चा कब आइस के नशा में पड़ गया कब वो बर्बाद हो गया कब वो तबाही के दहाने पे आके खड़ा हो गया बहुत शुक्रिया आप तीनों अब आपका आप, आप, आप तशरीफ़ तो लाए और वक्त चूके नाजरीन सिमट गया बस आइए ज़रा तजद वफ़ा लादून अहब अलह में वाल वाल व ना अजमैन अल्लाह ताली आपका हमारा हम सब का पाकिस्तान का उम्मत मुस्लिमा का और गजा की पट्टी के रहने वालों के लिए खास तौर पर दुआ कीजिए उनका हामी ना आमीन पाकिस्तान का मतलब क्या मोहम्मद रसूल